अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मिस्टर मिसेस ट्यूटर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट और द लेक्चर्स। सो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिक और इंट्रोडक्शन टू द कोर्स समझ लिया होगा और इसके अलावा बेसिक चीज़ें समझ ली होंगी, अगर मैं रिकैप करवा दूँ तो हमने क्या फर्स्ट लेक्चर में सीखा था वो था कि फर्स्ट कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, फिर हमने प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस किया, प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। लेकिन इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन को मैं कहीं और जाकर अगेन यूज़ करूँगा एंड देन आप लोगों को बोल दूँगा कि अब प्रोग्राम की डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है। अब तक आप लोगों के जहन में ये अगर है कि हाँ प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे एंड देन फिर हम प्रोग्राम कर लेंगे और उसके अंदर इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होगा, तो फिल वक्त आप लोगों की सोच बिल्कुल चाहिए, ठीक है। सो आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक बुक खुला हुआ है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। एक ये बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन में होगा, अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक्स से सीख रहे हैं और बिगनर्स हैं तो आप लोग ये बुक ज़रूर फॉलो करें, जो कि मैं भी फॉलो करूँगा और आप लोग भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक। उसके साथ साथ मैं एक और बुक रिकमेंड करूँगा, जब आप लोग ये समझें कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें आ चुकी हैं और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को मटेरियल चाहिए, तो फिर आप लोग लेट अस सी की लेटेस्ट वर्जन, ये तो फिफ्थ वर्जन खुली हुई है मेरे पास, पुराना बुक पुरानी वर्जन है, आई डोंट नो मे बी इसकी न्यू वर्जन आ चुकी हो, तो आप लोग लेट अस सी की न्यू वर्जन चेक कर लें और न्यू एडिशन आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लें। मैं आपको बेतहाशा एग्जांपल्स मिलेंगी और यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स, फैकल्टी मेम्बर्स इस बुक से आप लोगों को असाइनमेंट्स दे रहे होते हैं। इवन आप लोगों को इसके सोल्यूशन बुक भी मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि आप सोल्यूशन बुक की तरफ जाएं, आप क्वेश्चन बुक की तरफ ही जाएं तो बेहतर ही होता है। तो इससे आपको क्वेश्चंस बैंक मिल जाएगी और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आपको ईजीली एक्सरसाइजेस मिलती जाएंगी, कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है नेट से के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बताएँ कैसे होते हैं। तो आप लोग एक बुक डाउनलोड कर लें और उसको फॉलो करें, बहुत अच्छे तरीके से इसमें एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं। एक और बुक रिकमेंड करूँगा, हाउ टू प्रोग्राम। अब हाउ टू प्रोग्राम से आगे है हाउ टू सी प्रोग्राम, दिस इज़ सेवेंथ एडिशन, डिटेल एंड डिटेल की है। सो ये रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए जो कि फास्ट लर्नर्स हैं या थोड़ी सी हार्ड लेवल के ऊपर अगर चीज़ें लिखी हुई हों, सिर्फ लिखाई का जो फ़र्क होता है ना वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। इसमें इजी वे से समझाया हुआ है, इसमें उतना आसान तरीके से नहीं समझाया हुआ, लेकिन बहुत अच्छा है इसके अंदर जो मटेरियल है। सो जो खुद पढ़ना चाह रहे हो तो इस बुक से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ये सिर्फ शॉर्ट वीडियो थी आप लोगों को बुक के बारे में बताना, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बुक से स्टार्ट कर चुके होंगे और इसके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें ये कुछ 6 स्टेप्स जिसको मैं आप लोगों को बारी बारी टाइम टू टाइम बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिस्कस करूँगा और इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, विथ एग्जाम्पल्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलें, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।